वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि एफआईआर को तीन तरीके से कैसे दर्ज करवाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, कोई भी जो अपराध होता है, अपराध को दो श्रेणियों के अंदर बांटा गया है, एक तो गंभीर अपराध और एक कम गंभीर अपराध। समझने के हिसाब से अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये दो तरीके के अपराध होते हैं। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं तो ये गंभीर अपराध है, ग्रीवियस मामला है। ऐसे गंभीर अपराधों के अंदर धारा 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर को दर्ज किया जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपका मामला कम गंभीर है या साधारण प्रकृति का कोई अपराध हुआ है तो धारा 155 सीआरपीसी के तहत मामले को दर्ज किया जाता है। अब दोस्तों, पहला तरीका एफआईआर दर्ज कराने का, थाने पर जाकर के एफआईआर को दर्ज कराना। अब डिपेंड करेगा कि आपका जो मामला है वो गंभीर प्रकृति का है या कम गंभीर प्रकृति का है, यह तो ही एक तरीके की बात। अब दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता दूं कि गंभीर प्रकृति के अपराध में और कम गंभीर प्रकृति के अपराध में क्या फ़र्क है। देखो, अगर संगीन अपराध है, धारा 154 सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है, तो ऐसे में पुलिस के पास ये अधिकार है कि वह व्यक्ति जिसने अपराध किया है उसको पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। तो इसमें पुलिस को किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पुलिस के पास पावर है, बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगी क्योंकि उसने संगीन अपराध किया है। वहीं अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस एनसीआर काटेगी उसकी और फिर उस व्यक्ति को कहेगी कि थाने पर जाओ और थाने पर जाकर के आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आएंगे, तब इस मामले के अंदर हम जाँच करेंगे। मतलब वो जाँच भी नहीं कर सकती, और अगर संगीन मामला है तो पुलिस उसकी जाँच भी कर सकती है। ऐसे के अंदर ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर कि पुलिस एनसीआर के अंदर जांच नहीं कर सकती जब तक कोर्ट से आदेश ना जाए। पहला तरीका हुआ एफआईआर थाने पे जाकर के दर्ज कराने का। दूसरा तरीका, अगर आपकी एफआईआर को थाने पे दर्ज नहीं किया गया है तो फिर आप एसपी साहब के पास जाकर के अपनी एफआईआर को दर्ज कराने का निवेदन कर सकते हैं। तो एक लिखित के अंदर प्रार्थना पत्र लेके जा सकते हैं और वहाँ जा करके दे सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई ये मामला हुआ था लेकिन संबंधित थाने ने एफआईआर को दर्ज नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में आपकी एफआईआर को दर्ज किया जा सकता है एसपी के आदेश के बाद, अगर एसपी ने आदेश कर दिया आपकी एफआईआर दर्ज करने के। तो अब राजस्थान के अंदर क्या नियम है, सरकार ने ये नियम लागू कर दिया है कि अगर थाने पर पुलिस वाले एफआईआर को दर्ज नहीं करते हैं तो वो एसपी के पास जाकर के अपनी एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं और एसपी फिर संबंधित थाने से ये इन्फॉर्मेशन लेगा कि इस फला व्यक्ति की जो एफआईआर थी वो क्यों दर्ज नहीं की गई, उससे कारण बताओ। ये रीज़न भी पूछ सकता है, नोटिस भी जारी कर सकता है उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई। तो राजस्थान की बात है ये, तो आपके क्षेत्र में आपके स्टेट में हो सकता है अलग हो डिफरेंस तरीका, लेकिन एफआईआर दर्ज कराने का तरीका ये दूसरा है, वो सेम है हर जगह पे। पहले संबंधित थाने पे जाकर के एफआईआर दर्ज कराओ, नहीं होती है एसपी के पास जाकर के एफआईआर दर्ज कराओ, और अगर उसके बाद भी आपका मामला दर्ज नहीं हो रहा है देन आप लास्ट में आएंगे कोर्ट के पास। आपको एक वकील हायर करना है, वकील के माध्यम से धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत अगर आपका मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस का है तो आप परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेंगे कोर्ट के अंदर, और वहां से धारा 156(3) का ऑर्डर करेगी कोर्ट संबंधित थाने को एफआईआर दर्ज करने का, तो ऐसे आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। और अगर मामला नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट का था तो ऐसे के अंदर जो मजिस्ट्रेट है धारा 155 सीआरपीसी के तहत ऑर्डर करेगी और वहां पे पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आदेशित करेगी उस मामले को दर्ज करके। अब दोस्तों, दोनों ही कंडीशन के अंदर अगर आपका मामला दर्ज हो जाता है, चाहे वो फिर 156(3) के ऑर्डर से हुआ हो या 155 के ऑर्डर से हुआ हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर जो पुलिस जांच करती है वो सेम होती है। ऐसा नहीं है कि जांच करने का तरीका भिन्न हो, बिल्कुल एक इक्वल तरीका है जांच करने का। तो ये तीन तरीके हैं, आप इन तीन तरीकों से आपकी एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं और ये तीनों तरीके कारगर हैं। अगर कुछ छोटे मोटे मामले हों आपके, तो ऐसे छोटे मोटे मामलों के लिए आप ऑनलाइन भी जाकर के एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके मामले अगर ऐसे हैं जहां पर आपको प्रॉम्प्ट रिलीफ चाहिए और थोड़ा सा संगीन आपको लगता है, तो थाने पर जाकर के या एसपी के पास जाकर के या फिर कोर्ट के माध्यम से आपको एफआईआर को दर्ज करवाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।